हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड एंड राइट. फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द पोयम टेलीविजन. दिस इज अ करेंट टॉपिक ऑफ दिस टाइम. दिस इज अ पोयम बाय ट्रेजर ट्रोव, अ कलेक्शन ऑफ आईसीएसई पोयम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. रिटन बाय रोअल्ड डेल. फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास बहुत से डिमांडिंग वीडियोस आते हैं. सॉरी, पिक्स वगैरह लोग शेयर करते हैं, डिमांड करते हैं कि मुझे आप ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर दीजिए. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आप पिक्स मेरे साथ शेयर करते हैं, वो पिक्स पूरी तरीके से नहीं प्रिंट आउट मैं उसका निकालती हूँ, पूरी तरीके से चैप्टर उसमें कम्प्लीट नहीं होता है. तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन करवाना है तो आप उसकी पिक्स मेरे साथ शेयर करिए. जैसा कि मैंने आप व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप में वो पिक्स शेयर करिए. लेकिन ध्यान रखिए कि वो पिक्स अच्छे से पूरी क्लियरली होनी चाहिए. अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. जैसे मॉइस गाइड की मेरे पास डिमांड आई है, गुलमोहर रीडर की. गुलमोहर रीडर के 4th 5th के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल में विजिट नहीं करा तो प्लीज जाइए और विजिट करिए. ये मैं लेकर के आई हूँ क्लास 9th की पोयम टेलीविजन. तो चलिए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द पोयम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड इज नेवर नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट ऑफ बैटल स्टिल. जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल. The poet as the mouthpiece of a number of people begins by saying that the most important thing they have known regarding children is that they should never be allowed to watch television. Moreover, a better solution to the problem would be not to install a television set in their homes in the फर्स्ट प्लेस. तो पोएट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, द बैड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, चिल्ड्रन लॉल एंड स्लॉप अराउंड, दे कीप वॉचिंग, दे कीप स्टेयरिंग एट टीवी स्क्रीन्स एंड डू नॉट इंडल्ज इन एनी प्रोडक्टिव वर्क. द इडियोटिक थिंग एट ऑल, इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, वी हैव वॉच देम गैपिंग एट द स्क्रीन, दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट. लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट अंटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, अंटिल दे आर एब्सोल्यूटली ड्रंक विद ऑल द शॉकिंग गैसली जंक. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? In these lines, the poet speaks as if he had undertaken a long research on the bad effects of watching television by visiting a large number of households in Britain. In almost every house, it was found that the children were lazing about all day and sleep, staring at the television screen without doing any productive work. The poet indulged in a bit of exaggeration that is amusing when he says that sometimes children stare so hard that their eyeballs fall off, and he had seen a dozen eyeballs rolling about on the floor in one house. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोएट या बैड इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, बच्चों के किस तरीके से वो इतना स्टेयर, इतना घूरते हैं टेलीविजन को कि ऐसा लगता है कि उनके आई बॉल्स ही बाहर आई जा रही हैं, और वो पूरी तरीके से इंडल्ज हो गए हैं, उनका किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में मन नहीं लग रहा है. टेलीविजन का ये बहुत ही बैड इफेक्ट होता है. इट रॉट्स अ सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड. द चिल्ड्रन
गेट सो हिप्नोटाइज बाय वॉचिंग टेलीविजन दैट ऑल दे डू इज सिट एंड स्टेयर एट द टेलीविजन. देयर माइंड गेट्स फिल्ड विद द जंक दैट इज बींग टेलीकास्ट ऑन इट. द ओनली बेनिफिट दैट द टेलीविजन हैज इज दैट कीप्स द चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड. सिर्फ उसका यही बेनिफिट है कि आपके बच्चे जो होते हैं टेलीविजन के आगे बैठते हैं तो वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, उतने टाइम के लिए बिजी रहते हैं और हम लोग उस समय के लिए फ्री हो जाते हैं. द चिल्ड्रन डोंट फाइट एंड लेट देयर पेरेंट्स कंप्लीट देयर हाउस होल्ड चोर्स पीसफुली. और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं वो उनके काम जो घरेलू काम होते हैं वो अच्छे से कर पाते हैं. तो इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को टेलीविजन देखने दिया जाए. एट द सेम टाइम द पोएट क्वेश्चन द पेरेंट्स इफ दे आर अवेयर ऑफ द बैड इफेक्ट्स टेलीविजन हैज ऑन देयर चिल्ड्रन. इट रॉट्स द sense in the head, it kills imagination dead. These lines are written in capital letters to emphasize that watching too much television has negative impact on children. It not only clogs their mind and their senses but kills their imaginative and creative faculty. It makes them dull and restricts them from expressing words fantasies the children only see because the television takes away their ability to think. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy or fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. बच्चे कुछ भी नहीं सोचते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर है जो कि रस्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. वो कुछ भी टेलीविजन के अलावा नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, नहीं सोचना चाहते हैं. ऑल राइट विल क्राई, ऑल राइट विल से, बट इफ वी टेक द सेट अवे व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन आवर डार्लिंग चिल्ड्रेन प्लीज एक्सप्लेन. यहाँ पोएट पेरेंट से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को टेलीविजन के लिए इतना एडिक्ट क्यों कर देते हैं. दीज लाइन्स आर रिटन इन द कैपिटल लेटर टू एम्फसाइज देयर वॉचिंग टू मच टेलीविजन दैट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन. द पोएट एंटिसिपेट्स द पेरेंट्स क्वेश्चन आस्किंग हिम दैट इवन दे टुक द सेट अवे व्हाट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट दे वुड गिव टू देयर चिल्ड्रन टू कीप देम ऑक्यूपाइड. किस टाइप का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं कि उनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए. इन दीज लाइन द पोएट आस्क्स अ पेरेंट टू रिकॉल हाउ चिल्ड्रन हैड केप्ट देमसेल्फ्स एंटरटेन्ड बिफोर टेलीविजन वाज इन्वेंटेड. यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में जब टेलीविजन नहीं होता था तो किस तरीके से बच्चे अपने आप को बिजी रखते थे, एंटरटेन करते थे. How used they keep themselves contented before his monster was invented. Monster यहाँ पे television को कहा जा रहा है. Have you forgotten? Don't know. We'll say it very loud and slow. They used to read, they'd read and read and read and read and the and then proceed to read some more great Scott gadzooks. One half their lives was reading books. The nursery shelves held books. Galore books cluttered up the nursery floor and in the bedroom by the bed. More books were waiting to be read. Such wondrous, fine, fantastic tales of dragon, gypsies, queens and whales and treasure isles and distant shores. The poet reminds a parent that before the invention of television, children would read and only read. Books could be found everywhere, be it on the nursery shelves, nursery floor, in the bedroom or by the children's bed. जब ही ये टेलीविजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो बच्चे जो थे सिर्फ रीडिंग पे ध्यान देते थे. रीड एंड रीड एंड रीड नर्सरी राइम्स, उनकी बुक्स हमेशा कभी आपको बेड पे मिलती नहीं, कभी भी हमेशा जब भी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते थे तो सिर्फ रीडिंग में रखते थे जो कि एक ही बहुत प्रोडक्टिव वर्क है उनके लिए.
यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं, द पोएट गिव्स अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुक्स चिल्ड्रन यूज टू रीड बिफोर द यूज टू रीड द बुक्स विच वर फिल्ड विद टेल्स ऑफ ट्रेजर आइलैंड्स, वॉयज, स्मगलर्स, पायरेट्स, सेलिंग शिप्स, एलिफेंट्स एंड कैनिबल्स. द पोएट रेफर्स टू टिपिकल स्टोरीज दैट द चिल्ड्रन रीड इन हिज डेज. इस टाइप की टिपिकल स्टोरीज जो थी वो दिन भर पढ़ते थे. द किड्स ऑल्सो यूज टू रीड टेल्स अबाउट मिस्टर टॉड, स्क्विरल, नटकिन, पिगलिंग ब्लैंड एंड मिसेस जिगी विंकल, रिटन बाय बिट्रिक्स पॉटर. पॉटर्स बुक्स वर नोन फॉर द यूज ऑफ एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स एंड कलरफुल इलस्ट्रेशंस. तो बच्चे इतने प्रोडक्टिव होते थे पहले. जब से टेलीविजन इन्वेंट हुआ है तब से बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे ही स्टेयर करते हैं, टेलीविजन को ही देखना चाहते हैं विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क. जैसा कि मैंने आपको बताया, द यंगर वंस हैड बीट्रिक्स पॉटर विद मिस्टर टॉड, द डर्टी रॉटर एंड स्क्विरल, नटकिन, पिगलिंग ब्लैंड एंड मिसेस टैगी विंकल, एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट इज हम एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज ड्रम. ये सभी कुछ क्वेश्चन जो होते थे वो बच्चे जानना चाहते थे. एंड मिस्टर टॉड एंड ब्लेस माई सोल डियर मिस्टर रैट एंड मिसेस मोल, ओ बुक्स, वॉट बुक्स आई यूज टू नो दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो, सो प्लीज ओ प्लीज वी बेग वी प्रे गो थ्रू योर टी वी सेट अवे एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन दी वॉल. The poet, by using the words such as please, beg and pray, sincerely appeals to the parents to throw away their TV sets and replace them with the bookshelves. Children would throw tantrums in the protest, but ignoring their children's protest, parents should be filled the shelf with a lot of books. Ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they'll now begin to feel the need of having something to read. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. They'll grow so keen, they'll wonder what they'd ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen, and later each and every kid will love you more and for what you did. In these lines express the poet's belief that sooner or later the children would have nothing else to do. They would gradually feel the need to read books. जब उनको वॉचिंग टेलीविजन वॉच करने को नहीं मिलेगा तो ग्रेजुअली उनकी रीडिंग की स्किल अपने आप हो जाएगी, रीडिंग करने का उनका मन करेगा, ये वो फील करेंगे कि हम लोग को बुक्स रीड करनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए. These lines express the poet certainly that once children start reading, it would fill their hearts with joy. जैसे ही चिल्ड्रन रीडिंग स्टार्ट करेंगे उनका हार्ट एक अच्छी फीलिंग आएगी, उनको खुशी मिलेगी. दे देमसेल्फ वुड वंडर व्हाई दे हैड एवर लाइक वॉचिंग द रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन. लेटर एवरी चाइल्ड वुड लव हिज पेरेंट्स इवन मोर फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिम टू बुक्स. सो फ्रेंड, दिस इज द पोयम रिटन बाय रॉयल्ड डेल. Is one of the most prolific of modern writers in English. He was British novelist, short story writer, poet, screenwriter, fighter pilot, and has a large fan following among young readers. The poem Television takes a comic look at a serious problem among young children today. Yes, this is a serious topic, current topic today. The poem warns us about the dangers of excessive television watching. He tells us that TV robs the mind of the power of imagination and creativity. Imagination की power होती है जो बच्चों की, वो rob कर लेता है, चुरा लेता है, and creativity उनकी खत्म हो जाती है. Dell in his character
characterized characteristic exaggerate style warns that we will become zombies if we keep staring uninterrupted at the television for long hours. He advised us to read books for this will enable us to discover deeper levels of joy, find fulfillment in life, and open a whole new and exciting world for us. Very nice poem, Television. I hope you understand the poem, understand the explanation, Television. Friend, this is the poem. I hope you like it. If you like it, then just hit the like button. And if you are new in my channel, please do subscribe it. Thanks for watching. Milte hain next video ke saath, next poem ke saath, next chapter ke saath. Till then, bye-bye. See you.